मी शिवानी शेटे आणि AI न्यूजच्या या विशेष संवादात आपलं स्वागत. आज आपल्यासोबत संवाद करतील डॉक्टर अर्चना साडा, ज्या की प्रख्यात डायबिटोलॉजिस्ट आहेत. डॉक्टर अर्चना साडा यांचं टाइप 1 डायबिटीज या विषयावर खूप अभ्यास आहे आणि त्यांनी लहान लहान मुलं ज्यांना टाइप 1 डायबिटीज आहे अशा मुलांसाठी उडान नावाची संस्था देखील सुरू केली आहे. डॉक्टर अर्चना, आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू. मॅम, आपने टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बहुत स्टडी की है और आपका सारा काम उसी से रिलेटेड है, तो टाइप 1 डायबिटीज असल में होता क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून का मतलब है कि अपने ही शरीर की कुछ पेशियाँ जो इंसुलिन बनाती हैं, उनको बीटा सेल कहते हैं, वो अपना ही शरीर उसे अपना दुश्मन समझ बैठता है और ख़राब कर देता है. तो ये जो पेशियाँ हैं वो इंसुलिन बनाती हैं, लेकिन अगर ये पेशियाँ ही अंदर डिस्ट्रॉय हो गई तो इंसुलिन ही नहीं बनता है. जब इंसुलिन ही नहीं बनता है तो इंसुलिन का काम है एक बच्चे की बढ़त होना, खाने का पचन होना, शुगर को कंट्रोल में रखना और पूरे ही शरीर का विकास होना. तो अगर इंसुलिन अंदर होगा ही नहीं तो जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी. जब ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो शरीर का विकास ही नहीं होगा और इसलिए फिर बहुत सी बीमारियां और ज़िंदगी से भी हाथ खो सकते हैं. मैम, आपने अपने एक्सप्लेनेशन में बच्चों का जिक्र किया, तो टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चों को ही होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये बच्चों को होता है. पैदा होने से किसी भी उम्र तक हो सकता है, पर अक्सर ये 18 से कम की उम्र में देखा जाता है. बहुत ऐसे भी केसेस हैं कुछ कि आप 20, 22, 25 साल की उम्र में भी ये पाया जाता है. यूजुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो टाइप 2 होता है, जिसमें कि बीटा सेल प्रिजर्व रहता है, मतलब इंसुलिन कुछ मात्रा में बनता है. इसलिए जो बड़े लोगों को डायबिटीज़ होता है, जिसके बारे में लोगों को पता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो मधुमेह टाइप 2 होता है, मतलब आपके अंदर इंसुलिन बनता है. इसलिए खाने से, परहेज से, समय संभालने से, व्यायाम करने से और गोली खाने से वो कंट्रोल में आ जाता है. लेकिन ये बच्चों का डायबिटीज़ है टाइप 1, जिसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है. 2 साल के बच्चे का ये जीवन शैली का दोष नहीं हो सकता कि वो बहुत खाता है या खेलता नहीं है, तो इसमें उनके जीवन शैली का कोई प्रभाव नहीं होता. ये एक ऑटो इम्यून कारण से बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने से होता है. तो हमने अब तक बड़ों की डायबिटीज़ के बारे में सुना है, बड़ों को डायबिटीज़ होती है, पर ये जो बच्चों वाली डायबिटीज़ है, इनमें छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? जैसा कि मैंने कहा कि टाइप 1 डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके अंदर इंसुलिन है ही नहीं, तो वो कोई भी उम्र हो कि अगर अंदर इंसुलिन है नहीं तो ट्रीटमेंट इंसुलिन ही है. इंसुलिन एक ऐसी दवा है जो आज की डेट में विश्व भर में कहीं भी इंजेक्शन के अलावा किसी भी और रास्ते से दी नहीं जा सकती. सो इन बच्चों को जितना भी इंसुलिन उनके शरीर में चाहिए वो उनको एक इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, उसके द्वारा लेना पड़ता है. पर वो इंसुलिन कितना लेना है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक साल का बच्चा है या 5 साल का है या 10 साल का है, कोई खेलता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ऊंचा है, तो ये सभी चीज़ों में इंसुलिन की मात्रा जो उनको चाहिए वो सेम नहीं हो सकती. इसलिए हर बच्चे को दिन में कई बार अपने ब्लड का शुगर लेवल चेक करना होता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी जो ज़रूरत है वो भी बढ़ेगी. अगर आज एक बच्चे को 10 यूनिट लगता है तो जैसे वो बढ़ेगा उसको 15 लगेगा, 20 लगेगा. तो ये सब कारणों से ट्रीटमेंट 2 हिस्सों में है, कि एक उन्होंने अपना शुगर चेक करना कि हमें ज़रूरत कितनी है, और दूसरा फिर चेक करके हमने कितना इंसुलिन लेना चाहिए वो इंसुलिन लेना. तो ये इंसुलिन इंजेक्शंस ये बच्चे दिन में 2, 3 या 4 बार लेते हैं, और कितना लेना वो देखने के लिए वो दिन में 1, 2, 3 या 4 बार शुगर चेक करते हैं, और इस तरह से करते करते उनका शुगर कंट्रोल होता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और वो अच्छा चीप. संवाद अपना पूरे ही चल रहा है, पर एक छोटा सा ब्रेक है. Thank you.
ब्रेक नंतर आपलं पुन्हा स्वागत. आपण संवाद साधतोय डायबिटीलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना सारडा यांच्याशी. ते आपल्याला माहिती देत होत्या टाईप 1 डायबिटीज बद्दल जी लहान मुलांमध्ये आढळते, आणि त्यांनी आता इंजेक्शन बद्दल सांगितलं. मॅम, इंजेक्शन से तो बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं, और ये छोटे बच्चे हैं जिनको रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है, जो रोज अपनी शुगर चेक करनी पड़ती है, तो ये खुद करते हैं ये सारी चीजें. हाँ, इंजेक्शन से बड़े लोग ज़्यादा डरते हैं, बच्चों को आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है. जितना भी डर है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि ये डर यहाँ है. एक्चुअल इंजेक्शन से ना दर्द होता है ना डर लगता है, तो ये आदत डालने की बात है. और अगर वो चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अगर मैं एक छोटा सा इंजेक्शन लेकर अच्छी बढ़ूंगी, अच्छी रहूंगी और अच्छा जीऊंगी, तो वो इंजेक्शन मैं क्यों ना लूँ. ये मानसिकता धीरे धीरे निर्माण करते करते वो डर और दर्द दोनों ही गायब हो जाते हैं. छोटे बच्चों को तो उनकी मम्मी या पापा देते हैं. हम उनको सिखाते हैं कि इंजेक्शन कहाँ लेना है, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्सों पे वो लेना होता है. एक ही जगह पे अगर बार बार लेंगे तो वो जगह पर गांठ हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती हैं. तो हम ऐसी चीज़ों से उनको सिखाते हैं, जैसे ये हमारी एक डॉल है, और उस डॉल पर हम उन्हें बताते हैं कि जैसे ये डॉल भी इंजेक्शन लेती है, तो मंडे को आपको यहाँ लेना है, ट्यूसडे यहाँ लेना है, वेंसडे यहाँ लेना है, तो एक समय का इंजेक्शन यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, और तभी आप उसको अपने जांघों पे ले सकते हैं, और यहाँ पर से भी ले सकते हैं. कभी इमरजेंसी में बाहर गए तो हाथों पे भी ले सकते हैं. तो हंसते खेलते अगर बच्चे को ये डॉल दी जाती है, तो उसको लगता है कि हाँ, ये भी लेता है, मैं भी ले सकता हूँ. तो वो एक वातावरण वैसा बनाना बहुत ज़रूरी है कि उनके मन का डर निकल जाए. 8 साल का बच्चा इतना कैपेबल होता है कि वो खुद अपना आप अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन दे सके. डोज समझने के लिए ज़रूर उसको माता पिता की ज़रूरत है, सुपरविजन की ज़रूरत है, लेकिन इंजेक्शन एक 8 साल का बच्चा खुद अपने हाथों से ले सकता है. हाँ मैम, तो हम अपने जो ट्रीटमेंट है उनमें से जो छोटे बच्चों के मन से इंजेक्शन का डर तो निकालते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाने की बारी आती है इन छोटे छोटे बच्चों की, उनको पता रहता है कि उनको कुछ अलग बीमारी है, वो सामान्य बच्चों जैसे नहीं है, तो जब इन चीज़ों की बारी आती है तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले उड़ान में हमने एक बहुत ज़रूरी बात पहले दिन से रखी है उनके सामने, कि वो सामान्य बच्चों जैसे ही हैं. वो ना तो उनको कोई बीमारी है. ये शब्द बीमारी, रोग, रुग्ण, ये कहीं भी हमारी वातावरण में आता ही नहीं, हमारे बोलने में आता ही नहीं. हम बोलते हैं कि जैसे खाने में नमक ना हो तो नमक लेना है, आपके अंदर इंसुलिन नहीं है, आपको इंसुलिन लेना है. तो बीमारी ना समझते हुए एक चैलेंज है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिनको उन्हें सॉल्व करना है. तो उस ट्रैक पे जब वो सोचते हैं, तो स्कूल में हम उनको चिट्ठी देते हैं, एक लेटर देते हैं उनके प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि स्कूल में उनके टीचर और उनके प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को मधुमेह है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एक आई कार्ड देते हैं, और अगर कुछ समस्या आई तो माता पिता का कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं. लेकिन ऐसी कोई समस्या ना आए इसके लिए हम उनको पहले ही ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि उनको परमिशन लेनी पड़ती है स्कूल में बार बार खाने की. सपोज़ वो सुबह 6 बजे घर से खाना खा के निकले और उनके यहाँ लंच ब्रेक 12 बजे है, तो जिस जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चा है जो इंसुलिन लेता है, उसको हर 2 घंटे में खाना ज़रूरी है. तो ये फिर हम उनको लेटर लिखते हैं टीचर को. ज़्यादातर स्कूल्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं. दुख की बात यह है कि ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, एडमिशन देने से मना कर दिया. ऐसे भी स्कूल्स हैं कि हम जवाबदारी नहीं लेंगे. ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने इंजेक्शन लेने देने से मना कर दिया, कि क्योंकि टीचर को डर लगता है, उसको लगता है कि ये बच्चा यहाँ इंजेक्शन ना दे, उनको लगता है कि औरों बच्चों पे बच्चे डर जाएंगे. पर ज़्यादातर स्कूल में ऐसा नहीं होता है. उनसे बात करके, सिखा कर, और ये बच्चों को धीरे धीरे हिम्मत आ जाती है. शुरू शुरू में बच्चे बोलते हैं कि हम स्कूल में नहीं लेंगे, पर धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जब आपको आगे चल के पूरी दुनिया के सामने इंजेक्शन ले लेने की हिम्मत चाहिए. अगर आप छुपाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये कोई कमज़ोरी है, कोई गलत बात है, कोई छुपाने जैसी चीज़ है, ये मानसिकता तैयार होती है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे जहाँ भी हों, खुलकर सबके सामने इंजेक्शन ले सकें. उनकी तो हिम्मत बढ़ती ही है, लेकिन समाज में भी उसके लिए एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी. आज हम इंजेक्शन लेते हुए बच्चे को देखेंगे तो हमें लगता है इसको क्या हुआ है, लेकिन अगर हम आम चलते फिरते ये देखेंगे कि हाँ, बच्चे इंजेक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन में जो ये भेदभाव है जिससे आज हम जूझ रहे हैं उड़ान में, कि बच्चों को खेलने नहीं देते, बच्चों को पिकनिक पर नहीं लेके जाते,
या आगे चल के जब बड़े होते हैं तो शादियों में प्रॉब्लम आती है, तो ये भेदभाव अपने आप हट जाएगा। तो ये भेदभाव हमारे उड़ान के बच्चों ने ही हटाना है। उसका पहला नींव जो है वो स्कूल में, क्योंकि एक बच्चा हजारों बच्चों के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो एक स्कूल से शुरुआत होगी कि सबको पता चले कि बच्चों को मधुमेह होता है और उनको इंसुलिन इंजेक्शन लेना होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे नॉर्मल हैं, औरों से अलग बिल्कुल नहीं। मैम आपने बिल्कुल सही बात कही कि भेदभाव हटाने की बहुत ज़रूरत है, पर ये जो ब्रॉड माइंडसेट है, ये जो आधुनिक विचार है, ये आजकल हम शहरों में देखते हैं, पर वो बच्चे जो रिमोट प्लेसेस में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते, किसी छोटे गांव में रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती है? एक्चुअली भेदभाव गाँव में और शहर में अलग नहीं है। जो छोटे छोटे गाँव से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, मैं तो कहूँगी वहाँ एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। वहाँ के स्कूल का टीचर बच्चे को बोल देता है कि बेटा टाइम हो गया, तू घर जाके खाना खा के आ जा और इंसुलिन लेके आ। स्कूल जो शहर में है वो इतने एडजस्टिंग नहीं है। सो भेदभाव रूरल और अर्बन डिवाइड ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समझदार हैं वो गांव में भी समझदार हैं, जो ना समझ हैं वो शहर में भी ना समझ हैं। लेकिन गांव में दूसरे प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हमारे पास बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनके पास साधन नहीं होते, क्योंकि इस इंसुलिन को हमें फ्रिज में रखना पड़ता है। अगर ये इंसुलिन ठंडा नहीं रहा तो ये काम नहीं करता। तो एक ये चीज़ हमें पता है, हम उन्हें सिखाते हैं, पर हमें ये ख्याल नहीं आता कि एक गांव में जो रहता है, एक दो एक रूम में रहता है और उसके पास या तो फ्रिज नहीं है, और फ्रिज है भी तो लोड शेडिंग होती है। जब लोड शेडिंग होती है तो इलेक्ट्रिसिटी न रहने की वजह से गर्मियों में तापमान 40-45 तक चला जाता है। 25 डिग्री के ऊपर अगर आपका इंसुलिन रखा जाए तो वो ख़राब हो जाता है। और अगर इंसुलिन ख़राब हो गया और 8 दिन तक वो बच्चे को इंसुलिन नहीं मिला, तो ये तो उसकी जान ले लेगा। तो ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं है कि हम क्या करें, ये उसकी जान का सवाल है। तो इन चीज़ों से नई नई खोज होती है, इसलिए ऐसा ये मटका फिर हमने बनाया। ये मटका जो है ये ऐसे बाहर का एक मटका है, उसके अंदर एक छोटा सा मटका है और इन दोनों के बीच में रहती है। तो इसमें अगर इंसुलिन अंदर रखा जाए तो ये 25 डिग्री के नीचे तापमान में ठंडा रहता है। सिर्फ दिन भर में आपको 3-4 ग्लास पानी उसमें डालना होता है। तो एक बहुत ही सस्ता 100-150 रुपये में बनने वाली चीज़ है, लेकिन अब गाँव में बच्चे अपना इंसुलिन ठंडा रख सकते हैं गर्मियों के दिनों में, और उससे वो इंसुलिन अच्छा रहता है। सो दूसरा प्रॉब्लम गांव में ये होता है कि अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर पास में नहीं रहता, नियरेस्ट डॉक्टर भी काफ़ी दूर रहता है, और जो नियरेस्ट डॉक्टर है उसको भी ट्रीटमेंट नहीं पता होती, क्योंकि बच्चों की डायबिटीज़ के बारे में किसी को पता नहीं। तो वो डॉक्टर हाथ ऊपर कर देता है, वो बोलता है आप शहर ही जाओ। तो उसके लिए हमने आगे का ये प्रयोजन किया है कि हम अब गाँव के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जो बच्चे जिन जिन गाँव से आते हैं उनके डॉक्टर्स को, जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, तो उनको ग्रुप्स में बुलाकर अब हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं कि कम से कम उनके पास बच्चा आए तो प्राथमिक उपचार तो वो कर सकें, उसकी जान बचाने जितना काम वो कर सकें, और फिर उसको हॉस्पिटल में भेजें, क्योंकि अगर 2 घंटे लेट हो गया तो ये जान फिर खेलने की बात हो जाएगी। हाँ मैम, तो आपकी बातों से हमें पता चला कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों को किस दौर से गुजरना पड़े, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहर के हो। पर फिर ये बात आती है जब वो बचपन में हो, क्योंकि उनके पास उनके पेरेंट्स रहते हैं जो उनको मोटिवेशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। पर जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? बच्चे जैसे बड़े होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब वो टीनेजर हो जाते हैं, जब 14-15-16 साल का बच्चा होता है, तो वैसा जिसको मधुमेह नहीं होता वो भी बहुत ज़िद्दी होता है। वो भी नहीं चाहता माँ बाप की सुनना, वो भी चाहता है घूमना खेलना फ्री रहना, एक जो बच्चों की आदत होती है। तो पहला पड़ाव हमारा वो है कि वो 14-18 साल का बच्चा जो चाहता है कि मैं दोस्तों के साथ जाऊँ, लेट नाइट जाऊँ, पिक्चर जाऊँ, घूमने जाऊँ, गाड़ी पे जाऊँ, तो उसको जो बंधन आता है, बंधन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बंधन ये तो है कि वो समय पर खाए, समय पर चेक करे और समय पर इंसुलिन ले। दूसरा इसी समय का बंधन ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा उस उम्र में लोगों को ये चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। छोटे बच्चे इस बात से इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनको लगता है कि कॉलेज में मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी, वो लड़का क्या सोचेगा, वो लड़की क्या सोचेगी। तो इसको हम पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल समय है इन
यंग पीपल के लिए, क्योंकि सोशली एक्सेप्ट होना चाहता है हर इंसान, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंस जब पार कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है जब शादी का समय आता है। स्पेशली अपने यहाँ जहाँ ये अरेंज मैरिजेस होती हैं और वो बायोडेटा बनता है, और वो बायोडेटा में जब देखने जाते हैं, अगर आप छुपाओ तो गलत है और ना छुपाओ तो सामने वाला कहता है आपको मधुमेह, हम शादी नहीं करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसको भी फेस करना ही है, कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी हुए हैं। तो आज की डेट में तो स्पेशली लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल पड़ाव है। हमारे पास बहुत सी गर्ल्स हैं जो इस बात से बहुत परेशान हैं कि बार बार लड़के देखने आते हैं और सब अच्छा लगने के बाद भी जब पता चलता है मधुमेह है तो रिश्ता छोड़ देते हैं। लेकिन इसको इतनी जल्दी हम बदल नहीं सकते, ये एक सामाजिक चेंज है जो धीरे धीरे आएगा। एक हम प्रथा थोड़ा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मधुमेह ही लड़की ने मधुमेह लड़के से ही शादी करना, ये एक बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, तो हर तरह से एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। पर ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, हर तरह से समाज ने एक्सेप्ट करना होगा, पर हमारे हाथ में ये है कि हम इन बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाएं। इसलिए हम हर एक को कहते हैं कि आप अपने पाँव पर खड़े रहो, आप अपना जॉब करो, अपना करियर, अपना सेल्फ एस्टीम इतना ऊँचा रखो कि किसी ने रिजेक्ट भी कर दिया तो आप रिजेक्टेड फील ना हो, है ना। कहीं ना कहीं उनका साथी जरूर मिलेगा, पर हमारा समाज ऐसा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है। संवाद अपना पूरे ही चल रहा है, पर एक छोटा सा ब्रेक में। मैम, आपकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं इनको स्वावलंबी बनाया जाए, और इसी का एक एग्जांपल हमारे सामने है कि आपने उड़ान नाम की एक फाउंडेशन इन बच्चों के लिए स्पेशली फॉर्म की है, तो हमें उड़ान के बारे में बताइए। उड़ान एक संस्था है जो उन बच्चों को समर्पित है जिनको मधुमेह है। उड़ान की शुरुआत 10 साल पहले कुछ बच्चों से ही हुई। पहले ऐसा सोच के उड़ान नहीं बनाया गया कि हम बच्चों को ढूंढेंगे, लाएंगे और एक संस्था बनाएंगे। जब एज अ डायबिटोलॉजिस्ट हमने कुछ बच्चे देखे जो छोटे छोटे गांव से आए थे, जिनके पास इतना आर्थिक बल नहीं था कि वो इलाज कर सकें, और शुरू में उनको फ्री करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उनसे बात होनी शुरू हुई तो ये समझ में आया कि सिर्फ फ्री दवा देने से वो अच्छे नहीं हो रहे हैं या उनकी लाइफ सुधर नहीं रही है, क्योंकि वो बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। एक जब जब एडमिट होते थे तो उनके पैसे भी खर्चा होते थे और उनको जो मानसिक बल है वो भी कमज़ोर होते जाते थे। और जितने भी बच्चे शुरू में आए वो सबको ऐसा लगता था कि ये तो ज़िंदगी बेकार है। ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता ने उनको कमरे में बंद करके रखा था, वो उनको स्कूल नहीं भेजते थे, उनको कहीं लेके नहीं जाते थे। ऐसे माता पिता थे जिन्होंने कहा कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो बच्चे की ज़िंदगी अब कुछ काम की ही नहीं है। तो जब ये सब देखते रहे तो हमें लगा कि ये सिर्फ फ्री दवा दे के काम नहीं होगा। फिर हमने ग्रुप थेरेपी शुरू की कि हम एक छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलने लगे, फिर मम्मीज़ का शेयरिंग सेशन कि सब माताओं ने एक दूसरे से बात करना, सब पिताजी ने एक दूसरे से बात करना, सब बच्चों ने एक दूसरे, छोटे छोटे पिकनिक्स करने लगे उनको हिम्मत देने के लिए कि तुम दौलताबाद किला चढ़ सकते हो, तुम यहाँ से वहाँ तक दौड़ सकते हो। ऐसा करते करते फिर ये संस्था का रूप आया। आज उड़ान संस्था में 412 बच्चे हैं, ये औरंगाबाद के आसपास के 200 किलोमीटर के रेंज से आते हैं। सभी बच्चे जो उड़ान का लाभ उठाते हैं वो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल घर हम देख कर लेते हैं, और इन सब बच्चों को हर गुरुवार यहाँ पर पूरी तरह से उड़ान डे रहता है,
तो हर गुरुवार को ये बच्चे अपने परिवार के साथ आते हैं, उनको सिखाया जाता है, उनका डायरी, हर बच्चा एक डायरी रखता है, लॉग बुक कहते हैं उसको, कि उन्होंने हर रोज़ क्या किया, उनकी शुगर कितनी थी, क्या प्रॉब्लम आई, तो वो पूरी चेक होती है, उनका मेडिकल चेकअप होता है, उनका काउंसलिंग होता है, उनको सिखाया जाता है और फिर उनको उनके लिए जो दी जाती है पूरी इंसुलिन, ग्लूकोमीटर जो मशीन लगती है चेक करने के लिए, उसके अंदर की स्ट्रिप्स, फिर इमरजेंसी केयर। इसके अलावा उड़ान में एक हेल्पलाइन है, तो उस हेल्पलाइन पे ये बच्चे 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा मैं कहूँगी एक जो बेनिफिट, फ़ायदा हुआ हमें बच्चों को जोड़ने का, वो है एक फ़ोन। छोटे से छोटे गांव में, गरीब से गरीब घर में भी उनके पास फ़ोन ज़रूर है, तो उस वजह से हम इन बच्चों तक बहुत अच्छे से पहुंच पाते हैं। और ये बच्चे कहीं भी रहें, आधी रात हो, सुबह हो, जो भी प्रॉब्लम आए वो हमें फ़ोन करते हैं। ऐसा हो जाने की वजह से वो घर रहकर अपनी शुगर कंट्रोल में कर पाते हैं, उनको बार बार दवा खाने आने की ज़रूरत नहीं। हमें बहुत खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 5 साल में डायबिटीज़ की वजह से किसी बच्चे को एडमिट नहीं होना पड़ा। जो बच्चे पहले हर महीने 2 महीने में एडमिट हुआ करते थे, कभी शुगर लो हो जाती थी, झटके आ जाते थे, बेहोश हो जाते थे, कभी शुगर इतनी हाई हो जाती थी कि उल्टियाँ वजह हो जाती थी, उसमें बेहोश हो जाते थे, तो ये दोनों ही चीज़ें पिछले कुछ सालों से हुई नहीं हैं। और बच्चे अभी अपने अपने गाँव में रहकर हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, हंसते खेलते हैं। तो मैम, अभी उड़ान फाउंडेशन में आपके पास 412 बच्चे हैं और उनकी वजह से और आपकी रिसर्च की वजह से आपको एक कंप्लीट आइडिया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता क्या है, इन बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इस आइडिया से क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जिन बच्चों को ये डायबिटीज़ है, उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा संदेश एक आम जनता के लिए है और एक उन बच्चों के लिए और उनके परिवारों के लिए जिनको मधुमेह है। पहले उस जनता के लिए जिनको मधुमेह नहीं है, मधुमेह होना ये कोई अपनी गलती नहीं है, ये ना अमीर गरीब, शहर गांव, कुछ भी देखता नहीं है, बच्चा बच्ची कुछ भी देखता नहीं है, कोई धर्म, कोई जाति, कोई पैसा देखता नहीं है। आज इस बच्चे को है, कल अपने बच्चे को हो सकता है। तो आम जनता के लिए मेरा यही कहना है, क्योंकि एक बच्चे को मधुमेह है, क्योंकि वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको भी जैसे आप बाकी बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं उसी तरह से एक्सेप्ट करिए, उल्टा उसको कुछ मदद इस तरह से कि वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हो और सबके समान जीवन जी सके, ये हमने उसके साथ जीना बहुत ज़रूरी है। ये कल वो है, कल वो हम हो सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मधुमेह जिन बच्चों को है और उनके परिवारों के लिए, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ भी डरने की बात नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। आप जो हर बच्चे को एक सपना दिखाओ, कोई भी इंसान मधुमेह कंट्रोल करने के लिए नहीं जी सकता, वो क्यों जिएगा? क्योंकि वो कुछ बनना चाहता है। तो हर एक के मन में एक सपना हो और वो सपना पूरा करने के लिए उसने जो सीखना है, नॉलेज अगर नहीं है तो आपके पास सबसे बढ़िया मशीन होगी, सबसे बढ़िया इंसुलिन होगा, सबसे बड़ा डॉक्टर होगा, तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली मधुमेह का बच्चा और उसके पेरेंट ने एक नॉलेज और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपके पास ज्ञान है और अगर आपके पास एक सकारात्मक सोच है, तो ये दोनों मिल जाएं तो एक बच्चा मधुमेह के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आपको पता हो, बहुत फेमस वसीम अकरम है, जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, फास्टेस्ट बॉलर रहे, पाकिस्तान के कैप्टन रहे, अगर आप IPL मैचेस देखते हैं तो वो हाँ, जो गौरव कपूर है, जो कमेंटेटर है, बहुत अच्छा एंकर है, वो टाइप 1 डायबिटिक है। अगर आप देखें तो हॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे तो हेली बेरी नाम की जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन हीरोइन है, वो टाइप 1 डायबिटिक है। बहुत ही लोग हैं, अगर वो कायरा श्रॉफ नाम के एक टेनिस प्लेयर है जिसने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, तो अगर ये लोग विद डायबिटीज़ ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो औरंगाबाद, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, इंडिया के बच्चे तो और 10 कदम आगे जाके जरूर अचीव कर सकते हैं। और आपने सही कहा, सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसके वजह से बच्चों को घर में रखना या उनका उनसे उनका जीने का हक छीन लेना बहुत गलत बात है। मैम, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका टाइम निकाला इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आपण संवाद साधला प्रख्यात डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना सारडा यांच्याशी. त्यांनी सांगितलेली गोष्ट खरंच फार महत्त्वाची होती. आपल्या समाजात अनेक प्रकारचे लोक राहतात आणि ते जसे आहेत तसेच त्यांना मान्य करणं यातच मोठेपणा असतो. उडान संस्थेत आज 412 विद्यार्थी आणि लहान लहान मुलं आहेत ज्यांना टाईप 1 डायबिटीज आहे. तर हे मुलं पुढे जाऊन स्वावलंबी होतील आणि यशाचे शिखर गाठतील अशीच आशा करूया. धन्यवाद. मैं चेतन हूँ. 8 साल पहले मुझे ये पता चला कि डायबिटीज जान भी ले सकती है. मेरे छोटे भाई विकास की जान. विकास मुझसे 4 साल छोटा था. बड़ा ही नटखट था वो, पर दूसरे बच्चों से अलग, क्योंकि वो अकेला था जिसे डायबिटीज थी. शायद इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था और मां को भी हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए. हेला डायबिटीज आहे तर काही तपासण्या करवा लागतील. सध्या मी औषधे लिहून देतोय, तुम्ही लगेच घेऊन टाका. डॉक्टर साहेब, आता एवढेच पैसे आहेत, आता इन्सुलिन द्या, बाकीच्या टेस्ट पुढच्या टायमाला करू. ना जाने इंजेक्शन का दर्द मां को ज्यादा होता था या विकास को. जेव बड़ा था अब मां उसे कभी अकेले नहीं खेलने देती थी. मैं अगर साथ ना होता तो शायद विकास का स्कूल जाना भी बंद हो जाता. दादा मी चा नाही खेळू शकत क्रिकेट. चान ना दादा, मला खेळायचं आहे क्रिकेट. दादा चान ना, आपण चा नाही खेळू शकत. विकास के ऐसे कई सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था. दादा मला लाडू दे ना. आईला मग ना. ए आई, मला लाडू दे ना. बाळा एकच होता, दादाला दिलाय. आई, तू माझे लाडच नाही चढत, तू फक्त दादाचे लाड चढते. मी तुझ्याशी नाही बोलणार. दादा दे ना, आई नाही देते. हे घे. हॅलो, इमर्जन्सी आहे, लवकर ॲम्ब्युलन्स पाठवा प्लीज. हर बार विकास वापस आ जाता था, लेकिन इस बार डायबिटीज ने उसे हमेशा के लिए हमसे छीन लिया. Thank you.
मुझे भी डायबिटीज है। ये पता चलने पर ना जाने माँ पर क्या बीती होगी। मैं तुला नाही मरू देणार। माँ मुझे इलाज के लिए शहर लेकर आ गई, लेकिन डायबिटीज के इलाज का खर्चा माँ अकेले नहीं उठा सकती थी। पर मैं और माँ मिलकर तो डायबिटीज से लड़ ही सकते थे। मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। और एक सैलून में काम सीखने लगा। एक दिन दवा की दुकान पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। उड़ान में आकर मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुश हैं। हमने कभी विकास को खेलने नहीं दिया और यहां बैटिंग करता है, आजा मेरी टीम। उड़ान मानो एक परिवार है और मैं उड़ान का हिस्सा। चेतन जैसे कई बच्चों को इलाज नहीं मिल पाता, उनके पास पैसों की कमी होती है, साधन की कमी होती है और ये सही इलाज न मिलने की वजह से इनमें से कई बच्चे मर जाते हैं। सिर्फ पैसे की कमी से कोई बच्चा मर जाए ये उड़ान को मंजूर नहीं था। इस संकल्प से शुरू हुआ एक सफर। इस सफर में हम बच्चों के साथ साथ उनके मेडिकल कंप्लीट मेडिकल केयर देने का एक प्रयास करने लगे। इस कंप्लीट मेडिकल केयर में हम उनको देते हैं इंसुलिन और उसके साथ उसके सिरिंजेस। ये हमें उनको बिल्कुल फ्री देते हैं और उनको सिखाते हैं कि उसको कैसे रखा जाए। उसके साथ ये बच्चे अपने आप ही अपनी शुगर चेक कर पाते हैं। उनको बहुत सारी जाँच की ज़रूरत है, ये सभी जाँच उड़ान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। इसके साथ साथ एक 24 घंटे की हेल्पलाइन उड़ान चलाती है। इस हेल्पलाइन में हमारे बच्चे हमें दिन भर में कभी भी फोन कर सकते हैं। इस वजह से पिछले 5 सालों में उनका हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम हो गया है। जब हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। लेकिन एक डायबिटिक बच्चे के लिए चैलेंज सिर्फ दवा का नहीं है। हमें लगता है कि दर्द इंसुलिन लेने से होता है, पर दर्द सिर्फ इंसुलिन का नहीं है। दर्द उनको उनके सामाजिक जो आह्वान है उनके सामने, उसके सामने जाने का दर्द बहुत बड़ा है। जब उनको कोई खेलने नहीं देता, जब लोग उनसे कतराते हैं, जब वो स्वीट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, जब वो बर्थडे में अलग बैठते हैं, जब वो पिकनिक पर नहीं जा पाते, जब शादियाँ नहीं हो पाती, जब नौकरी से उनको निकाल दिया जाता है, तब वो फिर से टूट जाते हैं। इसलिए हम उड़ान में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी कोशिश है कि सिर्फ उनको एक मेडिकल केयर ही ना दें, पर उनको एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान और इतना स्वाभिमान उनमें जाग उठे कि वो भी सभी के जैसा रह सकें, कुछ कर सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। उड़ान की मदद से आज मेरी खुद की एक दुकान और मैं बहुत खुश हूँ।